सबसे बढ़ के ये सदियों की ताकत है, इन सबके दिल में अच्छाई के साथ ही दुश्मन बुराई के। पावर रेंजर्स ये, पावर रेंजर्स ये, इनके होते हुए डर किसका? पावर रेंजर्स उलझे का पत होगा बुरा किसका? दुश्मन बुराई के पावर रेंजर्स के, पावर रेंजर्स के, इनके होते हुए डर किसका? पावर रेंजर्स जीते के नहीं, हारे के नहीं, उलझे कपट होगा पूरा किसका? प्राचीन इजिप्ट के महाराजाओं और महारानियों की जिंदगी इतनी ऐशो आराम से भरी थी कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ रखी हुई कुछ चीजें 4000 सालों से भी पुरानी हैं। वाह, जरा देखो तो, सोचो उस वक्त में जीना कैसा लगता होगा। सोच सकती हूँ, इजिप्ट के लोग सचमुच जानते हैं, वो सब मेरे लिए सही है। और ये वो सार्कोफेगस है जिसमें प्राचीन फेरो ट्यूटनहॉकन है। लोग उससे बहुत डरते थे, कहते हैं उसके पास जादुई शक्तियां थी। वाह, वाह, उस वक्त की लिखाई को देख रहे हो? अजीब है, क्या कहता है ये? ऐसा कहा जाता है कि ट्यूटनहॉकन अपने दुश्मनों पर एक अजीब सा जादू कर देता था। इसका सही ट्रांसलेशन तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन लिखाइयों में कहीं पर एक शाप छुपा हुआ है। ये मेरी समझ के बाहर है, इसे तो लिख लेना चाहिए। क्यों? ताकि मैं इसे समझ सकूं। ये तो प्राचीन कंप्यूटर कोड को समझने जैसा होगा। तुम्हारा मतलब इसने तुम्हारे कंप्यूटर दिमाग में तहलका मचा दिया है? मैं नहीं चाहूंगी कि मुझे उसके शाप को झेलने की नौबत आए। ओ छोड़ो भी, क्या तुम लोग वाकई ऐसी बातों में विश्वास करते हो? हो गया, ट्रांसलेट करने के लिए बस कुछ ही सिंबल्स बचे हैं। तुम्हें क्या इसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं? नहीं, मेरे लिए ये एक चैलेंज है। ट्यूटनहॉकन रहा होगा इजिप्ट का बादशाह, लेकिन मैं कोड का बादशाह हूँ। मिसेस पॉटर ने कहा था इसमें कोई शाप है, तुम्हें नहीं लगता कि ये आज की नई टेक्नोलॉजी है? सिर्फ फैक्ट्स, न कि पुरानी बेकार कहानी। ओह यस, मिल गया। अच्छा, जरा देखो तो। जो भी मेरे मकबरे से छेड़छाड़ करेगा उसकी तबाही समझो तय है। लानत है तुम पर जो इसे पढ़ रहे हो, तुम पर है फेराओ का शाप। ओह, तुम्हें तो शाप लग गया है। दूर रहना, कहीं मुझे ना लग जाए। अच्छा मजाक है। नहीं, सोच कर देखो क्या हो सकता है, बताओ। कहीं तुम्हें एक छोटे से डॉगी बन जाओ, या तुम्हारा एक और सर उग जाए। ये वार्निंग मकबरा चोरों को दूर रखने के लिए लिखी गई थी, बस यही सच्चाई है। तुम भी यही कहोगी ना किरा? मैंने कहा था ना तुम्हें नहीं पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मत कहना। मेरी बात का यकीन करो, इस श्राप को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आखिरकार मेरी नींद खुली, अब महान ट्यूटनहॉकन यहाँ पर राज करेगा। 5:30, मैंने अपनी मॉम से कहा था मैं उन्हें यहीं मिलूंगा। अब ओ, ये क्या हो गया? तुम्हारा नया लैपटॉप, मेरे गेम्स, मेरे फाइल्स, मेरी जिंदगी, ये तो शुरू हो गया। ट्यूटर हॉकिन का शाप। अब तुम ये शाप वाली बात ना करो तो बेहतर होगा। अगली स्टोरी सचमुच बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। मैं सोच रही थी कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या चाहते हो? हमसे दूर रहो। मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी। ओह थैंक्स दोस्त, दरअसल मैं आजकल नई क्रीम लगा रहा हूँ। नहीं, तुम तो बदसूरत हो, ये तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो क्लियोपेट्रा भी आम औरत जैसी लगे। वाकई? लेकिन वो तो उन दिनों की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के आगे वो फीकी है। मेरे साथ आओ और मेरी रानी बनो। ओ, मैं नहीं आ सकती, आज पेडिक्योर करवाना है। लेकिन मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा जितना तुम सोच भी नहीं सकती। इसे वो दौलत कितनी होगी और उसमें क्या कुछ होगा? सोना, हीरे, तुम्हारी खिदमत करने के लिए नौकर चाकर। कैसे भी चलो चले, कहते जाओ। थैंक्स अ लॉट। शहर में एक प्राणी है जो शायद कहीं बाहर से आया है।
दिखने में एक बहादुर सैनिक लगता है, उस पर नजर रखो। हम फैसला करेंगे कि वो दोस्त है या दुश्मन। ओ ब्लू रेंजर, टिरेनोड्रोन्स को भेजकर अटैक करो। हम ये एक वजह के लिए करते हैं ना? हाँ, अजीब बात है ना? आज सुबह न जाने किसका चेहरा देखा। दोस्तों सुनो, तुम्हारा सोचना सही था, ट्यूटन हॉकन का शाप असली है। तुम जरा दूर रहकर बात कर सकते हो? तुम्हारे कपड़ों से बहुत गंदी बू आ रही है। आज सुबह से ही अजीब बातें हो रही है मेरे साथ, मुझे शक हो रहा है। आप यहाँ आ सकती हैं महारानी। तुम्हें नहीं लगता अभी हैलोवीन के लिए काफी वक्त है कैसिडी? आज से तुम मुझे बुलाओगी क्वीन कैसपेट्रा। यकीन नहीं होता, मैं पहले आम लोगों की तरह रहती थी। मेरी कुर्सी। ओ हाँ, ये रही। कैसिडी, ये सब क्या हो रहा है? तुम कब से नहाए नहीं हो? तुम्हारे बदन से तेज बदबू आ रही है मजदूर। मजदूर, कहीं कुछ खो तो नहीं गया? नहीं, असल में मैंने अभी पा लिया है उसे जो तारीफ करता है मेरी, समझे? देखो ये हीरे जवाहरात जो उसने मुझे दिए। मुझसे लोग जब कहते कि तुम कम अकल हो तो मैं सोचता था ये गलत है, लेकिन सोचता हूँ अब मैं ही गलत हूँ। अब चलो भी, माफ करो, आगे बढ़ो।